हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज। मैंने पार्ट वन में वन से लेकर 11 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। पार्ट टू में 11 क्वेश्चन से लेकर 21 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। अभी ये पार्ट थ्री का वीडियो है और मैं इसमें 22 से लेकर 32 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो काफ़ी डिफिकल्ट भी है, ठीक है। चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बोला है कि इफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग रेस्टिंग ऑन द सैंडी सॉइल इंक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन टू द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग। जो फुटिंग की जो विड्थ है वो रेस्ट कर रही है सैंडी सॉइल के ऊपर, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन टू द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि जो ग्रॉस प्रेशर होता है एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन और बेस ऑफ द फुटिंग, कि जहाँ पे क्या होता है कि एट विच द सॉइल फेल्स इन शीयर, कि जो क्या होता है सॉइल क्या होती है फेल्स हो जाती है शीयर में, ठीक है, वो होता है अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसका आंसर होगा ए वाला, ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर होगा ए वाला, ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस बेस फेल्योर ऑफ फाइनाइट स्लोप इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर। यहाँ पे फॉलोइंग केस दी है कि वहाँ पे कि बेस फेल्योर ऑफ फाइनाइट स्लोप इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर। तो यहाँ पे देखो कि मैं ये वाला जियोटेक्निकल का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखो कि ये स्टेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस जो होता है वो टू टाइप में है। पहला है फाइनाइट स्लोप, देन है इनफाइनाइट स्लोप, ठीक है। पहला है फाइनाइट स्लोप, देन है इनफाइनाइट स्लोप। तो फाइनाइट स्लोप क्या होता है और इनफाइनाइट स्लोप क्या होता है कि जो फाइनाइट स्लोप यानी क्या होता है कि देखो कि एक ऐसे ग्राउंड है, ग्राउंड और ये ग्राउंड के ऊपर क्या है एक ऐसी सॉइल की ढलान है जहाँ पे क्या है सॉइल है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यानी इसकी जो एरिया है वो क्या है लिमिटेड है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फाइनाइट स्लोप। देन है इन्फाइनाइट स्लोप। व्हाट इज द इन्फाइनाइट स्लोप, जिसकी एरिया क्या है इन्फिनिटी है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम एग्जांपल दे सकते हैं कि एक ऐसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में सॉइल है, तो उस सॉइल को हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी स्लोप। और फाइनाइट स्लोप और इन्फाइनाइट स्लोप, ठीक है, फाइनाइट स्लोप और इन्फाइनाइट स्लोप, ठीक है। तो फाइनाइट स्लोप में जो फेल्योर आता है वो आता है स्लाइडिंग की वजह से, ठीक है। स्लाइडिंग की वजह से क्या होता है, फाइनाइट स्लोप में फेल्योर आता है और इन्फाइनाइट स्लोप में रोटेशन और ओवर टर्निंग की वजह से इन्फाइनाइट स्लोप में क्या आता है, फेल्योर आता है, ठीक है। और ए जो फाइनाइट स्लोप है वो ये फेल होता है ऑकर्स अलोंग कर्व सरफेस, ठीक है। और देखो कि मोड ऑफ द फेल्योर क्या है, कि मोड ऑफ द फेल्योर क्या है, दो टाइप के फेल्योर आते हैं, एक टू स्लोप फेल्योर एंड बेस फेल्योर आता है, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे स्लोप में फेल बेसिकली इन द टू फॉलोइंग द टू केस टू वेज, ठीक है। तो पहला क्या है कि जो फेल्योर आता है वो अबोव द टू ऑफ स्लोप है। यानी देखो कि यहाँ पे कैसे एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे ये ग्राउंड है और इसका इसको हम बोलते हैं टू, ठीक है। और यहाँ पे ये सॉइल क्या है, फेल हो गई है। यानी जो फेल्योर जो आ गया वो अबोव द टू आ गया, ठीक है, टू ऑफ द स्लोप आ गया, उसको हम बोलते हैं स्लोप फेल्योर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लोप फेल्योर। और कभी कभी क्या होता है कि स्लोप फेल्योर जो आता है, देखो ये वाला ग्राउंड है, ग्राउंड कभी कभी वो पासिंग करता है थ्रू द टू ऑफ द स्लोप, ठीक है, और ये पासिंग करता है थ्रू द टू ऑफ द स्लोप,
पासिंग थ्रू द टू ऑफ द स्लोप, इसको हम बोलते हैं स्लोप फेल्योर। तो स्लोप फेल्योर में दो कंडीशन आती है, एक अबो द टू और एक पासिंग थ्रू द टू, ठीक है। देन है, देन आता है बेस फेल्योर, देन है बेस फेल्योर। तो बेस फेल्योर क्या है कि बेस फेल्योर क्या है कि एक ऐसे ग्राउंड है और ये जो फेल्योर आ गया यहाँ पे, तो वो बिलो द टू आ गया, ठीक है, ये टू के बिलो में आ गया, उसको हम बोलते हैं बेस फेल्योर। और जो फेल्योर बिलो द टू आता है उसको हम बोलते हैं बेस फेल्योर। और इसके जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है वेट ऑफ द सॉइल के ऊपर, वेट ऑफ द सॉइल ऑफ द मास के ऊपर, देन है कोहेजन के ऊपर, कोहेजन के ऊपर इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, और थर्ड है उसका एंगल, आई इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्लोप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ द स्लोप ऑफ सॉइल मास। देन है फोर्थ है सीपेज, ठीक है, फोर्थ क्या है सीपेज, फोर्थ है सीपेज, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है वेट के ऊपर, कोहेजन के ऊपर, और इसके आई यानी एंगल ऑफ द स्लोप ऑफ द सॉइल मास, देन सीपेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, सॉइल अबोव द टू ऑफ स्लोप इज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर। देखो कि यहाँ पे ऑप्शन में ध्यान से पढ़ना है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस बेस फेल्योर ऑफ द फाइनाइट स्लोप इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर, फाइनाइट स्लोप इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन में दिया है कि सॉइल अबो एंड बिलो द टू स्लोप हैव द सेम स्ट्रेंथ, ये वाला पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग है कि जो सॉइल अबो एंड बिलो, सॉइल अबो एंड बिलो द टू ऑफ स्लोप, यानी टू ऑफ स्लोप, टू ऑफ स्लोप के बिलो में और अबो में सेम स्ट्रेंथ रहती है क्या नहीं रहती, ये वाला गलत है। देन सेकंड है कि सॉइल अबो द टू ऑफ स्लोप इज कंपेरेटिवली वीकर, सॉइल अबो द टू ऑफ स्लोप इज कंपेरेटिवली वीकर, ये भी रॉन्ग है। देन सॉइल अबो द टू ऑफ स्लोप इज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, देन नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। देन है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर है ए वाला। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन विद बेस बी एंड हाइट एच अबाउट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी विल बी। तो यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, ट्रायंगुलर सेक्शन विद बेस बी दिया है एंड हाइट एच है अबाउट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, अबाउट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, बी एच क्यूब बाय 36, ठीक है, बी एच क्यूब बाय 36 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी होता है कि I इज इक्वल टू ए इंटू एच स्क्वेयर, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एरिया, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एरिया एंड स्क्वेयर्स ऑफ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। एंड कभी कभी सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑल्सो नोन एज द एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका जो यूनिट रहता है वो मीटर टू द पावर फोर रहता है, और सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल टू द पावर फोर हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। देन डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, कि जैसे कि सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा पाई बाय डी टू द पावर फोर बाय 64, डी इज द डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। देन है सेमी सर्कल, सॉरी होलो सर्कल, होलो सर्कल के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाय 64 कैपिटल डी टू द पावर फोर माइनस स्मॉल डी टू द पावर फोर, कैपिटल डी क्या रहेगा, ए वाला रहेगा बाहर का, और ए स्मॉल डी ये रहेगा, ठीक है। देन हमको रेक्टेंगल के लिए पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, बी डी क्यूब बाय 12, ठीक है, बी डी क्यूब बाय 12, ये हो गया आई एक्स के लिए, और आई वाई वाई के लिए क्या रहेगा, बी क्यूब बाय डी बाय 12,
ठीक है। देन होलो रेक्टेंगल के लिए, तो होलो रेक्टेंगल के लिए क्या रहेगा कि बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाय 12, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूले, और एक भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला कि सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के लिए एक फार्मूला है कि 0.11 डिवाइडेड बाय 16 ब्रैकेट में डी टू द पावर 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि 0.0068 इंटू डी टू द पावर 4। इसका ये फार्मूला रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ठीक है। ये आ सकता है, ठीक है, अगली एग्जाम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल मास। यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट फार्मूला है किसके लिए, ऑफ सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल मास के लिए, ठीक है। इसमें करेक्ट फार्मूला पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो कि ये वाला जो है ये वाला एक करेक्ट फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे कि ई दिया है, ये क्या है, वॉइड रेशो है, कि वॉइड रेशो क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइड रेशो, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि यूनिट वेट, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ द वाटर, और यूनिट वेट ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं हम, 1000 इंटू 9.81, 1000 क्या है, ये होता है इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज द 1000 and 9.81, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.81, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आता है, ठीक है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, ठीक है। देन एक सबमर्ज यूनिट वेट की एक और एक डेफिनेशन है कि सबमर्ज वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड प्लेट साइज इन प्लेट बेरिंग टेस्ट। देखो कि यहाँ पे दिया है कि कौन सी इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड प्लेट का साइज है इन द प्लेट बेरिंग टेस्ट में। देखो कि ऑप्शन में, ऑप्शन को ध्यान से देखना कि उसने डायमीटर दिया है, ठीक है, उन्होंने क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 75 है, ठीक है। आपको रेडियस पूछते तो 75 डिवाइडेड बाय 2 करते हम, ठीक है। तो देखो कि प्लेट बेरिंग टेस्ट यानी क्या होता है कि प्लेट बेरिंग टेस्ट क्या है कि देखो कि ऐसा एक पीठ होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकल लेता हूँ, सॉरी गलत हो गई, और ये जो है ये बेरिंग है, और यहाँ पे जैक लगा है, और यहाँ पे ऐसे क्लोज प्लेट है, ठीक है, और ये वाला एंकर पाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लेट लोड टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, देन हम फाइंड आउट करते हैं सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, देन हम फाइंड आउट करते हैं अलाउएबल बेरिंग प्रेशर, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेट बेरिंग टेस्ट हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, पहला क्या है कि पहला है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, देन है सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, देन है अलाउएबल बेरिंग प्रेशर, ठीक है। इसका जो साइज ऑफ द पीट है वो है 5 BP, तो व्हाट इज द 5 BP, कि देखो कि ये वाला जो होता है वो होता है BP, ये वाला जो होता है वो होता है BP, ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो होता है 5 BP, ठीक है, यानी 5 BP इट मीन्स 5 times द बेरिंग प्लेट, ठीक है, और ये जो ये स्क्वायर में होता है ये तो 5 BP इंटू 5 BP, ठीक है, यानी 5 times द बेरिंग प्लेट।
और जो साइज ऑफ द प्लेट होता है वो 0.3 मीटर स्क्वेयर होता है, ठीक है। 0.3 मीटर स्क्वेयर क्या होता है साइज ऑफ द प्लेट होता है, और समटाइम लार्जेस्ट साइज ऑफ द प्लेट के लिए हम 0.6 भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लेट की जो थिकनेस हम यूज़ करते हैं वो होती है 25 mm, 25 mm इसकी प्लेट ऑफ द थिकनेस होती है। प्लेट ऑफ थिकनेस कितनी है 25 mm, और यहाँ पे सर्कुलर प्लेट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करना है, क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। थिकनेस कितनी है 25 mm है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक फिर से एक रिपीट करता हूँ कि प्लेट बेयरिंग टेस्ट क्या फाइंड आउट करती है। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, देन सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, देन अलाइबल बेयरिंग प्रेशर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि कंसिडरिंग द थियरी ऑफ द फिल्ट्रेशन, स्किमिडिट और डर्टी स्किन, ये काफ़ी काफ़ी हार्ड वर्ड है। और डर्टी स्किन इज फॉर्म इन विच प्रोसेस, तो यहाँ पे कि थ्योरी ऑफ द फिल्ट्रेशन दिया है कि कंसिडर करना है कि थ्योरी ऑफ द फिल्ट्रेशन और एस्केमेटिक और डर्टी स्किन इज फॉर्म इन विच प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस में आता है। तो देखो कि नंबर्स ऑफ थ्योरी ऑफ द फिल्ट्रेशन है, तो यहाँ तो इसमें से जो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म में ये स्क्यूमेटिक और डर्टी स्किन फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो कि ये क्या है कि एक कैसा ये फॉर्म होता है स्कीमेटिक और डर्टी स्किन। तो देखो कि आफ्टर फ्यू डेज ऑफ वर्किंग फिल्टर क्या होता है कि अपर ग्रेन्स ऑफ द जो कुछ सैंड होते हैं, सैंड लेयर होते हैं, वो बिकम्स कोटेड विद रेडियस ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक कोई ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है और उसमें ये फेरस आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है, सिलिका आता है, और आफ्टर 2 और 3 डेज के वीक में क्या होता है एक ऐसी फिल्म कंसिस्टिंग एक लेयर अलगी उसमें क्या होती है डेवलप हो जाती है, प्रोटोजोआ अलगी उसमें क्या होती है क्या होती है डेवलप हो जाती है, और उस फिल्म को हम बोलते हैं स्क्यूमिडिट और डर्टी स्किन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड टू इवेलुएट द वेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट। तो यहाँ पे कि फॉलोइंग टेस्ट यहाँ पे दिए है कि उसको हम तो कौन से टेस्ट है कि जो हम इवेलुएट करते हैं वेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा साउंडनेस टेस्ट, ठीक है, क्योंकि साउंडनेस टेस्ट ऐसा एक टेस्ट है कि हम यूडिट करते हैं वेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट। तो देखो कि यहाँ पे ये सभी टेस्ट हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं एग्रीगेट के ऊपर, और इसमें जो दो टेस्ट मिसिंग है वो है, हाँ, तो यहाँ पे दो टेस्ट मिसिंग है। तो यहाँ पे जैसे कि एक बिटुमन अधेशन टेस्ट भी है, बिटुमन अधेशन टेस्ट है, ठीक है, बिटुमन अधेशन टेस्ट है। देन है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। ये वाला पहला क्रशिंग टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, एंगुलरिटी टेस्ट, बिटुमन अधेशन टेस्ट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये 6 टेस्ट है। वो 6 टेस्ट एग्रीगेट के ऊपर क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको सूटेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट चाहिए फॉर द यूज़ ऑफ इन पर्मानेंट कंस्ट्रक्शन। पर्मानेंट कंस्ट्रक्शन में हम एग्रीगेट को यूज़ करते हैं ना, तो उसको तो कौन सा एग्रीगेट सूटेबल है वो हम निकाल सकते इस टेस्ट के वजह से, ठीक है। तो देखो कि अलग अलग टेस्ट की अलग अलग ये है। देखो कि पहला है कि क्रशिंग टेस्ट, तो क्रशिंग टेस्ट क्या करता है कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है, और ये कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन से, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन से इसको कॉम्प्रेशन टेस्ट इसकी निकाली जाती है, ठीक है, और ये स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। देन है एब्रेशन टेस्ट, तो एब्रेशन टेस्ट ये लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्टिंग मशीन से इसको हम कंडक्ट करते हैं, और इसका जो लॉस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन का जो इंटरनल जो डायमीटर होता है वो होता है 700 mm का इंटरनल डायमीटर होता है, ठीक है।
देन साउंडनेस टेस्ट अभी बताए कि वो क्या करता है, यूलेट क्या करता है प्रॉपर्टी ऑफ द सॉरी वेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है। और इफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग इज गुड, सपोज रेजिस्टिंग अगेंस्ट वेदरिंग इज गुड गुड है तो फॉर एग्रीगेट देन इट विल हैव द हाई ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी हाई रहेगी। देन है एंगुलरिटी टेस्ट, एंगुलरिटी टेस्ट को हम शेप टेस्ट भी बोल सकते हैं, वो शेप ऑफ द एग्रीगेट को डिटरमाइन करता है। तो देखो कि इसमें फ्लैकी, इसमें क्या है फ्लैकी और इलॉन्गेटेड एग्रीगेट, ठीक है फ्लैकी और इलॉन्गेटेड एग्रीगेट, क्योंकि ये जो अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ मिक्स के ऊपर कि हम कोई भी एग्रीगेट हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फ्लैकी है कि इलॉन्गेटेड है, ठीक है। तो फ्लैकी एग्रीगेट यानी क्या होता है कि फ्लैकी क्या होता है कि द परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट हुज लीज डायमेंशन इज लेस देन द 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, ठीक है 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लैकीनेस इंडेक्स, यानी द परसेंटेज ऑफ बाय वेट ऑफ एग्रीगेट हुज लीज डायमेंशन, कि जिसका लीज डायमेंशन इज लेस देन होना चाहिए 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। जब इसको 3/5 को हम सॉल्व करते तो इसका आंसर होता है 0.6 में कभी कभी मेंशन करते हैं एग्जाम में, तो कन्फ्यूज नहीं होना है 3/5 यानी 0.6, ठीक है। देन है इलॉन्गेटेड, तो इलॉन्गेटेड इन एग्रीगेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द एग्रीगेट हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन, कि जिसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन 1/8 टाइम्स होता है, 1/8 टाइम्स ऑफ दियर मीन डायमेंशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलॉन्गेटेड इंडेक्स, ठीक है इलॉन्गेटेड इंडेक्स। और इसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू भी होते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट डाउन करके दे दूंगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके वैल्यू है वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है SSC JEE में इसके इसके बारे में इस वैल्यू को पूछा है, ठीक है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन करके दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल हाउ मेनी नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे बोला है कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखो कि आपको ये कंसेप्ट आपको ये रट लेना है कि आइसोट्रोपिक एंड है सेकंड है एनिसोट्रोपिक, हम एनिसोट्रोपिक को एलियोट्रोपिक भी बोल सकते हैं, एलियोट्रोपिक भी बोलते हैं, ठीक है थीके? तो यहाँ पे क्या है कि आइसोट्रोपिक यानी क्या होता है कि यहाँ पे टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट रहते हैं आइसोट्रॉपिक में और एनिसोट्रॉपिक में 18 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कभी कभी ट्रांसवर्सली आइसोट्रॉपिक के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्रांसवर्सली आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए 5 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स आर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देखो कि अभी मैं पार्ट 4 का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1-2 का वीडियो की लिंक प्रोवाइड की है, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, और अगले पार्ट के लिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड क्योंकि आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बिल आएगी उसको आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको हर एक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।